हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर आज बिग बॉस स्टूडियो लेके। कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वही सुबह मॉर्निंग सॉन्ग से डांस वांस सब कर रहे थे। उसके बाद दिखाया गया पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसे कहते हैं ब्रेक किए जाते हैं, इंग्लिश में बात की जाती है, सो रहे हैं, कुकड़ू बजी जा रही है, जंगलवासी भी सो रहे हैं, अंदर घर वाले भी सो रहे हैं, जंगलवासी कभी अंदर आ जाते हैं, सामान लेके चले जाते हैं, यार चाय नहीं है, आज दूध नहीं आया, वहाँ से तेजस्वी इनको थोड़ा दूध दे देते हैं, वो दूध दे देती है, मतलब हर चीज़ जिसे कहते हैं रूल्स। कल ब्रेक दिखाया गया, स्टार्टिंग है भी जी जंगलवासी और घर वाले सारे रूल्स ब्रेक कर रहे हैं बिग बॉस के। दूसरा डोनल अपना बिग बॉस ने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि जंगलवासी है वो अंदर का वॉशरूम यूज़ नहीं करेंगी। डोनल फिर वॉशरूम यूज़ कर रही होती है, यहाँ पर निशान जाके बोलता है भाई क्या मतलब है, तुम्हें पता ही नहीं करना, मुझे नहीं पता था। तो हर चीज़ वही दिखाई गई पूरी की पूरी, जिसमें सारे के सारे रूल्स ब्रेक किए जा रहे हैं बिग बॉस के, जो बिग बॉस बोलता है। यहाँ पे फिर कल क्या हुआ, जैसे ही वो बजर बजता शेर की दाढ़ का गुफा खुलती है भाई, जब वो मैप्स आते हैं इन्होंने सारे क्या किया, करण कुंद्रा ने भाई जितनी भी आस पास की कुर्सियाँ सीटी थी वो उसके आगे रख दी वहाँ पर जाके, और वहीं से जाके मैप्स उठाए और फिर थोड़ा बहुत हल्का हल्का हुआ मैप के आगे छुपा दिया। तो सारे रूल्स कल यही दिखाया गया स्टार्टिंग के अंदर कि बिग बॉस के सारे के सारे जितने भी वो हैं अपना कंटेस्टेंट है वो कैसे रूल्स ब्रेक्स कर रहे हैं एक एक करके। तो बस फिर क्या था, बिग बॉस जैसे वीकेंड का वार होता है, कल बिग बॉस का वार था। बिग बॉस ने बोल दिया भाई ऐसा है कि जितने भी घर वाले हैं जो अंदर जा चुके हैं मेन घर के अंदर, आज के बाद इसी टाइम से कोई भी घर वाला मेन द्वार को घर को यूज नहीं करेगा, सबके सब जंगलवासी। ये था दंड नंबर पहला। और बिग बॉस ने सारा कुछ बताया, इंग्लिश तुम बोलते हो, माइक तुम उतारते हो, खुशखुस तुम करते रहते हो, शीशा बोलो तब तुम नहीं करते, ताश में तुम चीज़ें तोड़ते हो, तो कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो तुमने ब्रेक नहीं किया। और ये पहला बिग बॉस ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा रूल्स ब्रेक किए जा रहे हैं, बार बार बिग बॉस चेतावनी दे रहे हैं तुम नहीं सुन रहे हो। तो भाई इस टाइम निशांत कैप्टन है, निशांत तुम्हें 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, 15 मिनट में सुनिश्चित कर दो सारा सामान जो तुम्हारा पर्सनल है वो बाहर ले आओ, और जो तुम्हारा सारा खाने का सामान है। तो बस हुआ क्या, जब सारा भगदड़ मच गई, सामान उठाना है वो पे रजाई कंबल वाला भी उठा रहे थे, बिग बॉस ने कहा मैंने तुम्हें कहा कि पर्सनल सामान कोई रजाई कंबल कुछ भी तुम नहीं उठाओगे वहां से, और सारे सारे बाहर आ जाओ, और निशान शोरूम में जाओ, वहां पे चेन और तारा पड़ी है, घर का पूरे दरवाजे पहले स्टार्टिंग में लॉक हुआ था पूरा लॉक करके चाबी अंदर रख दो। अब ये बिग बॉस का पहला वार था, अभी तो दो वार और रहते थे। बस बिग बॉस ने जब सारे सामान सब उन्होंने शिफ्ट शिफ्ट कर दिया, बिग बॉस ने कहा वार है नंबर दो की, ये दो नंबर वार में ऐसा है कि तुम में से कोई सारे सदस्य जो 15 सदस्य हैं वो मिलके डिसाइड करेंगे आपसी सहमति से या बहुमत से कि कौन से ऐसे दो सदस्य हैं जिनका रोल जीरो है, मतलब जो नहीं दिख रहे हैं या परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बस, और वो आज ही घसे साक्षी हो जाएंगे इसी टाइम द्वार, क्योंकि मुख्य द्वार खुल रहा है। अब यहाँ पर डिसीजन स्टार्ट हो गई, भाई वहां से शमिता डिस्टर कर रहे थे, वहां से करण कुंद्रा लगा हुआ था, करण कुंद्रा को समझा रहा था भाई ऐसा है कि अगर ये बहुमत देख रहे हैं तो बहुमत हम 8 हैं वो 7 हैं, तो हम एक अगर हो जाएंगे तो हम उनमें से किसी एक को निकाल सकते हैं। ये अभी डिस्कशन कर ही नहीं थी, बिग बॉस ने दोबारा अनाउंसमेंट कर दी, मैंने तुम्हें शायद सुना नहीं है, मैंने कहा कि जिस सदस्य का रोल जीरो है बस। फिर वो बगल में सारे इकट्ठे हो गए, अब करना क्या है। यहाँ पे कल मेरे को थोड़ा सा जिसे कहते हैं अनफेयर लगा विधि का, तो एक पहले सबसे पहले नाम लिया, एक एक करके सब नाम ले रहे थे, जय भानुशाली, स्मिता ने, सबने लिया नाम लिया, प्रतीक ने, तो सबने नाम डोनल का और विधि का लिया। देखा जाए तो विधि थोड़ा ज्यादा काम कर रही है जबकि सिम्बा नहीं कर रहा, सिम्बा का नाम लेना चाहिए था, बट वो ये एक भेड़ चाल है, सबने शुरू करा, स्टार्टिंग से प्रतीक ने शुरू किया भाई अपना नाम डोनल का और अपना विधि का, तो सबके सब ने, कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जिसने किसी और का नाम लिया, सबके सब सदस्य ने विधि और डोनल का ही नाम लिया। तो कल विधि और डोनल घर से बाहर चले गए। अब दोनों गए हैं, कुछ तो उस रिएक्शन होना ही था, थोड़ा बहुत तो भी रोना धोना चलना ही चलना था। यहाँ पे कल विशाल और शमिता से बातें करता मिल रहा था कि भी देख, जब बीच में बिग बॉस ने बोला था अभी दो बंदों को निकालना है, तो ये दोनों सब आपस में कर्ण कुंद्रा से बातें कर रहे थे कि भाई हमारी टीम ज़्यादा है, हम 8 बंदे हैं, तो हमने वो बहुमत देख रहे हैं तो बहुमत से निकाल देंगे। तभी बिग बॉस ने बोला नहीं, जिसका जीरो है। तो ये डिस्कशन चलती मिली इतने बस वही फिर दोबारा बिजली कड़कने लग गई ये वो। अब बिग बॉस का वार्ड नंबर 3 आना था, यहाँ पे बिग बॉस उसने कहा वाइल्ड कार्ड एंट्री है, वाइल्ड कार्ड एंट्री आ रही है। बिग बॉस ने कहा नहीं, जो घर पे चांद लगा उसमें ग्रहण लग गया है, अब मुसीबत तुम्हारे पे आने वाली है। बस बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दिया, भाई निशान तुम इस टाइम घर के कैप्टन हो, तुम्हें स्पेशल पावर दी जाती है कि तुम ऐसे 8 सदस्यों के नाम लो जिनको तुम घर से बाहर निकालना चाहते हो, यहाँ की ये भी कह सकती है कि नॉमिनेशन से सेफ नहीं करना चाहते हो।
अब निशांत को बताना था कि कौन से आठ सदस्य हैं जिनको वो नॉमिनेशन सेव नहीं करना चाहता। निशांत के भाई पे बात आ चुकी थी, तो निशांत ने बिग बॉस ने जब टाइम दिया सब, उसने सोच के और बिग बॉस ने यही बोल दिया था कि भाई ये सिर्फ तुम्हारे डिसीजन होगा, तो उसने सोच आज के आठ नाम लेने शुरू कर दिए। तो पहला नाम उसने लिया अपना ईशान का और एक रीजन दे दिया, फिर मायशा का, उमर का, सिम्बा, फिर उसने अफसाना का नाम लिया। अब जो शॉकिंग था वो था शमिता का नाम और करण कुंद्रा का नाम। तो ये दो नाम बड़े शॉकिंग थे क्योंकि करण कुंद्रा और शमिता पहले उसके काफी अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं, बट उन्होंने इस दोनों का भी नाम लिया। और आठ में लास्ट था, वो आठ नंबर का नाम था, वो लिया उसने विशाल का। तो ये आठ सदस्य थे जो कि निशान ने को नॉमिनेशन सेव जिनको नहीं किया। बस बवाल तो होना ही था क्योंकि मेन नाम उसने करण कुंद्रा का ले लिया था, यहाँ पे ईशान का नाम ले लिया, जबकि जब कैप्टन पे टास्क में बैठा हुआ था तो उन्होंने ईशान को क्लियर बोला था कि जब भी मैं सेव करने की बारी आएगी तो भाई पहला सदस्य मेरा करण होगा जिसको मैं सेव करूंगा, दूसरा मैं तेरा नाम लूंगा। यहां पे वो पूरा पलट गया, ना उसने करण का नाम लिया ना ईशान का लिया, दोनों उसने नॉमिनेशन में डाल दिया। ईशान जो भड़का, अरे तू गधा है, ये है वो है, तू पलट गया। यहां से उमर भी कूद पड़ा, उमर कहता इसने मेरे को भी बोला था कि भाई मैं सेव करूंगा, हमने गधे को कैप्टन बना दिया, ये वो। और यहां पे करण कुंद्रा बड़े प्यार से कह रहा है, मुझे समझ ये नहीं आई है कि मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, इसने मेरा और श्वेता का नाम क्यों लिया, ये क्या गेम खेला है। तो कल यहां पे जैसे कहते हैं अच्छी खासी बहस शुरू हो गई इस टॉपिक के ऊपर। और उसी टाइम बिग बॉस ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि भाई ऐसा है कि अब तुम में से जो आठ नॉमिनेशन के अंदर आए हैं, इनमें से चार कोई चार सदस्य जो इल्जोन रूम में जाएंगे। अब वो रूम क्या है वो आज पता लगेगा। तो दोस्तों ये था कल का एपिसोड, आज जो एपिसोड आएगा आज वो इल्जोन रूम में जाना है। तो इसके अंदर जो सदस्य जाएंगे जैसे शमिता जल जाएगी, करण कुंद्रा जाएंगे, तो इसमें क्या है कि बिग बॉस रूम के अंदर जो आठ सदस्य उनकी फोटोज लगी होंगी, बिग बॉस पूछेंगे भाई ऐसा है कि इनमें से कौन सा सदस्य चाहते हो तुम, अगर अपने को सेव करना चाहते हो तो इनमें से कौन से सदस्य जिसको तुम परमानेंट नॉमिनेशन में डाल सकते हो। तो ये आठों चारों चारों जाके अफसाना भी जाएगी, बताएंगे भी कौन कौन से करे। अब देखना ये होगा कि इन भी चार में से कौन जाके किन को सेव करते हैं या कौन नॉमिनेशन में डालते हैं। दूसरा आज बिग बॉस टास्क दे देगा, ये उसमें से क्या होगा कि जो पूरी प्राइस मनी है उसमें 5 लाख माइनस हो जाएंगे अगर ये फॉल्ट करते हैं कोई भी। यहाँ पे टास्क के अंदर क्या है कि जो करण कुंद्रा है वो प्रतीक के जिसे कहते हैं प्रॉपर फिजिकल, जिसे कहते हैं प्रॉपर फिजिकल दोनों हो जाएंगे आपस में और लड़ाई होगी। तेजस्वी का हाट है भाई, उसकी बहुत प्यार कर रही है करण कुंद्रा के साथ, वो करण कुंद्रा की साइड लेगी। यहाँ पे जय भानुशाली जिसकी प्रतीक से हमेशा लड़ाई होती है वो तब भी प्रतीक की साइड लेगा और तेजस्वी और करण से भिड़ जाएगा। भाई बात गलत है, ये करने गलत किया, जब ये मेरा दोस्त है पर मैं इसकी साइड नहीं ले रहा इस टाइम, और तुम तेजस्वी गलत का साइड ले रहे हो। तो यहाँ पे तेजस्वी, करण कुंद्रा, प्रतीक और अपना जय भानुशाली अच्छी खासी से कहते हैं लड़ाई देखने को मिल जाएगी। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इससे में बिग बॉस का रिव्यू लेके। तब तक सत श्री अकाल, कोविड ऑल। दोस्तों पर ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के निकलना, और दोस्तों वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं।